टी20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन कौन? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने। कैंगरूज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कीवीज की बैटिंग जारी। कैंगरूज और कीवीज कप्तान जीत के लिए पुरोमीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की यकीन दहानी करवा दी। पीसीबी से राबता करके आगाह कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल सितंबर में पाकिस्तान आएगी। टेस्ट, वन डे और टी20 सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रवासा सीरीज को अचानक मुलतवी किया था। अपोजिशन का शख्सी बुनियादों पर कानून साजी पर हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में अरकान ने कहा, कानून बेहतर बनाने पर बात हो सकती है, बदतर बनाने पर नहीं। हुकूमत ने जानबूझकर कमेटी में फवाद चौधरी और आजम स्वाती को शामिल किया, जो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते रहे। एमकेएम और काफली की नुमाइंदगी खत्म करने पर भी तहफ्फुज़ात। 3 साल से सर्दियों में पीडीएम की बीमारी आ रही है, वैक्सीन लगेगी तो ठीक हो जाएगी। असद उमर के बाद शिबली फराज कहते हैं कि पीडीएम महंगाई पर सियासत कर रही है, हर बहरान से फायदा उठाना चाहती है। महंगाई आलमी सतह पर है, पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं, कौमी एजेंडा है। फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए जिस पर तमाम क़यादत को एतमाद हो। शहबाज गिल बोले, कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है, किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, जब इत्तेहादियों ने अदम एतमाद किया तो सियासी निज़ाम की कामयाबी और जमातें याद आ गईं। हाँ, मुल्क में पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है। शौकत अली ने खबर अदा कर दिया, कहा आलमी मार्केट इंडेक्स बढ़े तो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगे। रुपए की कदम में कमी की वजह सट्टाबाजी को करा दे दिया। सट्टेबाजों के गिर्द घेरा तंग करने का भी ऐलान। बोले, IMF को कई चीज़ों पर नो कहा, आलमी इदारे के साथ मामला तय पा गए, जल्द खुशखबरी मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।